सोलन में नगर निगम चुनाव पास में है और इस बार कांग्रेस और भाजपा के अलावा आम आदमी पार्टी भी इन चुनावों में अपना भाग्य आजमाएगी। इन चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने रणनीति बनानी आरंभ कर दी है और मतदाताओं की नब्ज को टटोलने के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन हिमाचल पहुंच चुके हैं। शिमला जाते समय कुछ देर के लिए सोलन में रुके और अपने कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने यहां संदेश दिया कि वे हिमाचल में तीसरे विकल्प के रूप में जनता के सामने होंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल के मतदाता कांग्रेस और भाजपा की कार्यप्रणाली से बेहद तंग हैं। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमराई हुई हैं। बिजली और सीमेंट का उत्पादन कर भी यहां सब कुछ महंगा मिल रहा है, जिससे स्पष्ट है कि दोनों ही दल हिमाचल की जनता को नोचने में लगे हैं और अच्छी बेहतर सुविधाएं देने में पूरी तरह से असफल हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में विकास करके दिखाया है और अब हिमाचल की बारी है, इसलिए वे दिल्ली के मॉडल पर हिमाचल में विकास करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि वे अपने आप को दिल्ली में साबित कर चुके हैं, इसलिए जनता उन पर विश्वास करती है और हिमाचल की जनता भी उन पर विश्वास करेगी, ये उन्हें उम्मीद है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनता के पास कांग्रेस और भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब वे उन्हें विकल्प देने के लिए यहाँ आए हैं। आपसे कहना चाहता हूँ कि देवभूमि के अंदर आप जैसे आपने कहा है कि आम आदमी पार्टी अब आ चुकी है और देवभूमि के अंदर जो दिल्ली में हमने अच्छे काम किए हैं वो तो सारे काम यहाँ भी करके दिखाएंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना अच्छा काम दिल्ली में किया है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के क्षेत्र में जो काम किया है, दिल्ली में हम लोगों को बिजली फ्री देते हैं, हिमाचल से खरीदते हैं, यहाँ पे फ्री नहीं है, हम फ्री में देते हैं, तो सब चीज़ें करके दिखाएंगे। और हिमाचल के लोग चाहते हैं कि जो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में काम किया वो हिमाचल में भी होना चाहिए। देखिएगा अभी तक क्या हुआ है कि लोगों को ना एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी उन्होंने लूट खाया था उन्होंने मिलकर। देखिए दिल्ली में जो पर हेड बजट है, प्रति व्यक्ति जो बजट है, हिमाचल प्रदेश में से तीन गुना बजट है, प्रति व्यक्ति तीन गुना बजट होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। लोगों का आश्चर्य होता है कि हिमाचल से बिजली खरीद के हम बिजली फ्री दे देते हैं, यहाँ वाले फ्री में नहीं देते क्योंकि यहाँ पे वो अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, वहाँ पे जनता के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल दिल्ली की जो मॉडल है उसमें हिमाचल की जनता चाहती है और इसीलिए हमने डिक्लेयर किया कि इस बारी पूरी ताकत से पूरी हिम्मत से हिमाचल की 68 सीटें 68 की 68 सीटें हम लड़ेंगे और हिमाचल की जनता चाहती है कि बीजेपी और कांग्रेस से बड़ी छुटकारा मिले। क्योंकि इससे पता लगता है कि दुखी तो है, एक बारी कांग्रेस एक बार बीजेपी एक बार क्यों चेंज करते हैं, वो इसलिए नहीं लाते दूसरी उससे वो अच्छी है, कहते इससे दुखी हो गए नालायक है, दूसरे पर दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, कहते दोनों को छोड़ दो। जब दोनों से दुखी हो जाओ दोनों को छोड़ दो, इस बार आम आदमी पार्टी है। हिमाचल वासी विरोध में संदेश दूंगा, जो दिल्ली में अच्छा काम किया है अब की बारी आम आदमी यहाँ पे आ रहे हैं, इन नेताओं को छोड़ो, नेताओं के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, इस बार आम आदमी करके दिखाएगा।